subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पर एक बार फिर आम आदमी की आंधी में बीजेपी बहती हुई नजर आई, जहां पर केजरीवाल ने काम के नाम पर वोट मांगा और बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों के साथ अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को बताया है। वहीं बीजेपी ने मैदान में अपने आप को जीत के लिए पूरा झोंक दिया, जहां उन्होंने अपने सभी मुख्यमंत्री और 270 सांसदों को मैदान में उतारा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आगे बीजेपी नेता की एक ना चली और आम जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के लिए चुना है। यानी कि एक बार फिर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर अपना विश्वास दिखाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बना दिया है। वहीं अब बीजेपी के लिए केजरीवाल नाक में दम बनकर खड़े हो चुके हैं। बीजेपी का मकसद हमेशा से एक ही रहा है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ किसी भी तरह से लग जाए, लेकिन कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सभी कद्दावर नेता को धूल चटा दी है और अब एक बार फिर केजरीवाल 5 साल के लिए सत्ता में आ चुके हैं और इस बार केजरीवाल जनता के लिए क्या करने वाले हैं देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं खबर आ रही है कि केजरीवाल 16 फरवरी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा देखना होगा। क्या फिर से केजरीवाल का मंत्रिमंडल बदलेगा या फिर वही मंत्रिमंडल होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे दिल्ली में अभी का माहौल काफी ठंडा पड़ चुका है और हर जीता हुआ विधायक अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो राजनीति से जुड़ी तमाम हर छोटी से बड़ी अपडेट्स को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज़रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।